प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलेक्स सर। और आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल के या माई सीक्वल के, माई एसक्यूएल के डाउनलोड के बारे में, राइट? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ना माई सीक्वल को डाउनलोड ही नहीं कर पाते, वो थ्योरी से ही माई एसक्यूएल को पढ़ के चले जाते हैं क्लास 12th का पाइथन का पेपर देने के लिए। आई वुड सजेस्ट ये वीडियो ध्यान से देखिए और देखिए कैसे एसक्यूएल को हम माई सीक्वल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे, ताकि हम प्रैक्टिकल भी करना सीख सकें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल पे वील टाइप इन MySQL, एंटर, मेन होम पेज पे गए क्लिक करके, राइट? एंड देन वील स्क्रोल डाउन, वील मूव टूवर्ड्स द डाउनलोड सेक्शन है, एंड MySQL कम्युनिटी सर्वर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, एंड देन ऑन दैट पेज वील क्लिक टू विंडोज x86 32 एंड 64 बिट MySQL इंस्टॉलर MSI, and we'll click go to the download page. All right, this is the link where we'll have to come to this page. This is the given link. I'll provide this link in the description as well. But ये link प्यारे बच्चों बार बार बदलता रहता है, इसीलिए मैंने आपको path दिखा दी कि how to get to this place. All right, and we'll quickly download the software. And this is the software MSI installer, Windows x86 32 bit, and we'll click on the download button. Right. No sign up, no login, just no thanks, just start my download. We'll click on this and download has begun. All right, it'll take I'm guessing a few minutes. Tab tak ke liye ek chota sa break lete hain and I'll come back. All right, jaise ki aap dekh pa rahe honge, after a quick break aap dekh pa rahe honge download hone ke baad mere download folder ke andar ye MySQL installer aa chuka hai. I'll just quickly double click run it. Ye Windows installation ka software hai, आपको सिर्फ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए मूव करते हुए जाना है। जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी है, इट विल बी डाउनलोडेड, राइट? आई वुड चूज कस्टम, ओके? और मैं आप लोगों से भी बोलूंगा, प्यारे बच्चों कस्टम पे चूज करिएगा, डू नॉट गो फॉर द डेवलपर और द डिफॉल्ट ऑप्शन। और हमें चार चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें वो इंस्टॉल है करने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सबसे पहले तो आपको सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे ओपन करके, और ये देखिए ग्रीन वाला बटन दे रखा है, ये इस पर क्लिक करना है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं लेफ्ट में टेबल में और राइट में, जो आप प्रोडक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें से, राइट? हमें सबसे पहले तो SQL सर्वर ही इंस्टॉल करना है। माई SQL सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने इस तरीके से मूव करा दिया, एंड देन ये देखिए ये बैक करने के लिए भी है, राइट? एरोस। फिर हम लोग वर्क बेंच को इंस्टॉल करेंगे, ये मैंने वर्क बेंच पे क्लिक किया, ये दूसरा है, सर्वर हो गया, वर्क बेंच हो गया, एंड देन वील इंस्टॉल SQL शेल एज वेल, ये तीसरा हो गया, एंड देन वील इंस्टॉल कनेक्टर्स। तो हम लोग पाइथन पे काम करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग पाइथन का कनेक्टर इंस्टॉल कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द अवेलेबल प्रोडक्ट्स, मैं ये चार चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करके उधर की तरफ मूव करा दूंगा, और यही चारों चीज़ों में इंस्टॉल करने में जल्दी हो जाएगा, राइट? लेट्स सी, नेक्स्ट एग्जीक्यूट, इट टेक सम टाइम हियर दैट दिस हैपन, आई कम बैक। नाउ इट इज शोइंग द ऑप्शन कि उसको ये सारी डिपेंडेंसीज या और सॉफ्टवेयर चाहिए इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, जैसे कि उसको ये C++ का विजुअल रन टाइम ज़रूरी है, तो आई जस्ट अग्री टू द लाइसेंस इन टर्म्स एंड कंडीशन, वो अपने आप से इंस्टॉल कर देगा, राइट? सक्सेसफुल, क्लोज, ऑल द इंस्टॉलेशंस आर डन, राइट? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये चारों के चारों हमें इंस्टॉल करने, आई क्विकली क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। अब ये चारों को इंस्टॉल करने का प्यारे बच्चों फायदा ये है, अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें इस काम पे तो बहुत आसानी से इंस्टॉलेशन हो जाता है। आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, ऐसे SQL को थोड़ा सा इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है। कंप्लीट हो चुका है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सब एज डिफॉल्ट छोड़ देना है, कुछ मत छोइए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लीजिए, इंक्रिप्शन वाला ऑथेंटिकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करिए, ऊपर वाला ऑप्शन। अब जैसे हमारे पास विंडोज़ में एडमिन होता है, वैसे ही MySQL में रूट होता है, ठीक है? हम लोग एडमिन को ही रूट बोलते हैं। अब ये इसके अंदर एग्जैक्टली वैसे एडमिन के अंदर जैसे पासवर्ड लगता है विंडोज़ में, वैसे इसके अंदर MySQL के अंदर रूट का पासवर्ड लगता है। एक अच्छा सा पासवर्ड चुन लीजिए जो आपको याद रहे। पासवर्ड चुनने के बाद नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट,
Nothing to be changed here as well. Next, next, execute, and it's done. Alright, हमारे पास इस तरीके से हमारा workbench और shell दोनों के दोनों खुल के आपके सामने आ जाएंगे. ये हमारा workbench है और ये हमारा shell है. राइट, इसमें एक चीज और मिसिंग है हमारे पास, SQL कमांड लाइन, जिसपे भी हम लोग काम कर सकते हैं. हम SQL की कमांड्स दो इंटरफेस पे प्यारे बच्चों रन कर सकते हैं. एक तो हमारा ये सुंदर सा इंटरफेस है जिसको हम लोग workbench बोलते हैं. राइट, इस workbench पे या तो हम काम कर सकते हैं, और इस workbench को काम करने के लिए क्या है, हम यहाँ से एक इंस्टेंस चूज करेंगे रूट का. ठीक है ना, हम एक इंस्टेंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और वो जो पासवर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले डाला था वो यहाँ पे हम फिर से डालने वाले, और सेव पासवर्ड इन वॉल्ट करके ओके कर देंगे. तो ये हमारा इंटरफेस खुल गया. एक तो तरीका ये है, पहला तरीका ये हो गया, हम इसको वर्कबेंच से यहाँ पे क्वेरीज वगैरह अपनी एग्जीक्यूट करके अपना काम कर सकते हैं काफी सुंदर तरीके से. राइट, दूसरा प्यारे बच्चों हमारे पास ऑप्शन है, हम शेल से भी काम कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारे पास काम करने का ऑप्शन है. और तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कमांड लाइन का. राइट, हम चाहे तो वर्कबेंच पे काम कर सकते हैं, चाहे तो SQL शेल पे काम कर सकते हैं, चाहे तो कमांड लाइन पे काम कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो यूज करते हैं वो तो कमांड लाइन क्लाइंट यूज करते हैं या फिर वर्कबेंच यूज करते हैं. अभी वर्कबेंच में मैंने आपको लॉग इन करके दिखा दिया था, अब एक दफा हम लोग जरा कमांड लाइन पे भी देख लेते हैं. राइट, आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन हियर, आई विल राइट SQL कमांड लाइन, my SQL command line client, ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है. इस पर हम क्लिक करेंगे और एग्जैक्टली आप नोटिस करेंगे कि आपको वही देखने को मिल रहा है जो जैसा इंटरफेस आपने वर्कबेंच में देखा था. वर्कबेंच में भी आपने देखा था, आपको यूजर आईडी, आपने जब रूट से लॉगिन किया था तो आपने पासवर्ड वहाँ पे डाला था, इसे यहाँ पे पासवर्ड डालने को मिल रहा है. ये वही पासवर्ड है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त दिया था. एंड वी डन. राइट, अब हमारे पास कम से कम SQL दो इंटरफेसेस से चलाने को तो है, एक वर्कबेंच और दूसरा ये. मैं जब इस कोर्स को स्टार्ट करूंगा, आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो दोनों को ही बैक एंड फोर्थ यूज करता रहूंगा. कभी मैं वर्कबेंच पे काम करूंगा, कभी मैं कमांड लाइन क्लाइंट पे काम करूंगा. राइट, आई एम होपिंग कि अंडरस्टैंडेबल, कोई बात समझ में नहीं आई तो डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन. होप दैट हेल्प्स.